रूस यूक्रेन वॉर से हथियार बनाने वाली कंपनियों को फायदा हो रहा है। अमेरिकी हथियार जो बनाती हैं कंपनियां, चाहे वो अमेरिकी की कंपनियां हो, जर्मनी की कंपनियां हो, उनके शेयरों में जबरदस्त उछाल है। शेयर मार्केट में लगातार बल्ले बल्ले हो रही है। स्टिंगर कंपनी जो है हथियार बना रही है। जैवलिन कंपनियों के शेयरों में 25 से 30% का इजाफा हो गया है। लॉकहीड मार्टिन या फिर रेथियन को जबरदस्त फायदा हुआ है। जर्मन और स्वीडिश कंपनियां जो हैं, जो हथियार बनाती हैं, उनके शेयरों में भी ये उछाल देखने को मिला है। तो शेयर मार्केट में हथियार बनाने वाली कंपनियों को फायदा हो रहा है। और एक और ब्रेकिंग न्यूज, खेरसोन में रूसी ठिकानों पर यूक्रेन का ताबड़तोड़ हमला जारी है। यूक्रेनी हमले में रूसी टैंक जलकर खाक हो गए हैं। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी किया हमले का वीडियो। और एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, खार्किव में रूस यूक्रेन फौज के बीच भीषण जंग चल रही है। कुपियांस के पास यूक्रेन का भीषण हमला जारी है। यूक्रेनी हमले में रूसी काफिला तबाह हो गया है। रूस के 3 टैंक्स जलकर खाक हो गए। तो एक के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज आपको हम बता रहे हैं। रूस की मिसाइल भंडार पर ब्रिटेन ने बड़ा दावा कर दिया है। रूस के पास मिसाइलों की भारी कमी है। पुरानी क्रूज मिसाइलों से परमाणु हथियार हटा रहा है। रूस परमाणु हथियार हटाकर क्रूज मिसाइलों से हमला रूस कर रहा है। लेकिन ब्रिटेन ये कह रहा है कि रूस के पास जो मिसाइलें हैं, क्रूज मिसाइलें, वो कम पड़ रही हैं और पुरानी क्रूज मिसाइलें हटा रहा है, तो इसलिए कमी देखने को मिल रही है मिसाइलों की। ये ब्रिटेन की तरफ से दावा किया गया है।